मित्रों आपका स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। मैं रताश गुप्ता, मैं प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी और मैंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में अध्ययन पठन पाठन का कार्य किया है और अब मैं सेवानिवृत्त हो गया हूँ। सेवानिवृत्त होने के बाद में मैं अपने खाली वक्त में ये कविताएं लिख लेता हूँ जिससे कि मेरा मन प्रसन्न रहता है और उन्हीं कविताओं का मैंने मेल जोड़ के और ये एक कविता संग्रह बनाया है और इसकी नाम रखा है रंग बिरंगी कविताएं। रंग बिरंगी कविता आप देखिए, जैसे मान लिया अब हम जो कविता पाठ करेंगे ये सारा मिला के 6 स्टेंजा हैं और 5 मिनट लगेंगे, लेकिन इसमें भी आपको रंग बिरंगी चीज़ें दिखाई देंगी कि पोइट ने बहुत सिंपल सिंपल चीज़ों से कितना बढ़िया एक नज़ारा बुन के सामने रखा है। तो इस समय ये पोए जो अपनी ये कविता है, इस कविता का जो हेडिंग है वो है सुबह सवेरा। सुबह सवेरा, अब पोइट बोलता है, सुबह सवेरा, सुबह सवेरे की बेला है, पूर्व में उजियारा बतेरा है, सूर्य के आगमन ने आहट की है, उठ खड़ आंखें खोल, निद्रा त्याग, सुहावना सवेरा है, यह प्रभात की बेला है। हल्की प्यार का आभास है, मनहोरी ठंडक, मन हारी ठंडक का आभास है, आलस त्याग, फुर्ती में समा जा, मौसम अलबेला है, यह सुबह की बेला है, यह प्रभात की बेला है। तारे भी अपने घर चले गए, अंधेरों के साए भी हैं सिमट गए, रात के सन्नाटे भी अब विलोप हैं, तू बाहें फैला, कर्मशीलता का चोला पहन ले, ये प्रभात की बेला है। झाड़ियों में हलचल है, वहां चिड़िया की हिलजुल है, वृक्ष शिखर पर कोयल कूकती है, टहनियों पर बुलबुल की चहचहाट है, यह प्रभात की बेला है। आकाश में हल्के नीले रंग का अधिपत्य है, ऊंची हवाओं में पक्षियों के समूह चलायमान है, पनघट पर पनिहारियों का मेला है, गांव की गलियों में कृषक नंदी जोड़े हल ले चले हैं, यह अरुणोदय की बेला है, यह प्रभात की बेला है। लास्ट अंतिम, मंदिरों में उपासकों की भीड़ है, हवाओं में घंटों घड़ियाल बज रहे हैं, शिवलिंग पर जल के मेघ बरस रहे हैं, कहीं आरती है, कहीं भजन है, कहीं सवेरा है, पूजन की बेला है, यह प्रभात की बेला है। दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद।